अब चलो इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो देखना। हाँ यहाँ पे क्या रखा मैंने, माइनस ए से लेके ए तक, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। कब, अगर एफ क्या है, ऑड फंक्शन है तो, ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो डबल गया। डबल जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स, अगर एफ क्या हो, इवन फंक्शन हो तो। पता चल गया बराबर। चलो थोड़े सम्स करते हैं, ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा बराबर। जैसे कि इन्होंने ऐसा एक भी एग्जांपल नहीं दिया, हद है। सर ऑड में जीरो आएगा कैसे? हाँ वैल्यू निकाल के देखेंगे तो भी जीरो ही आएगा। सर नहीं समझ आ रही बात। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। जैसे देखो, अगर मेरा मैं सम कर रहा हूँ और ऐसा आया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ठीक है, साइन एक्स। अब तुम अपना नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस माइनस कॉस एक्स। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये तो पता है ना। हाँ माइनस कॉस एक्स, फिर क्या, अपर लिमिट पाई बाई टू और लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू। अब ये करोगे ना तो भी तुम्हारा आंसर जीरो हो जाएगा, करके देख लो, जीरो ही है। तो चला, बट मैंने देखा कि अच्छा, ये सब करने से अच्छा है कि मैं डायरेक्टली ऐसा बोल दूं, अल्लाह यार ये तो ऑड फंक्शन है ना। ओके, तो ऑड फंक्शन होने के नाते इसका आंसर सीधा जीरो कर दिया, दिस इज जीरो बिकॉज साइन एक्स इज अ ऑड फंक्शन। बात समझ में आई। चलो फिर से, अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, माइनस वन से वन, ओके, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन इंटू कॉस एक्स, तो भी मेरा आंसर क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, ऑड फंक्शन। सर समझ में नहीं आया, हाँ समझ में नहीं आया। ऑड इंटू ऑड इवन होता है, ऑड इंटू इवन ऑड होता है, इवन इंटू ऑड होता है, इवन इंटू इवन इवन होता है। देखो, सर हाँ 8 मिनट ऊपर करो ना। छोड़ो 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 छोड़ो, आज नहीं करना है ये सब, कुछ भी नहीं करना है। ओके चलो, छोड़ दो इसको, ये सब मोह माया है, भूल जाओ, भूल गए। हाँ वालो सभी बोलो। हाँ हाँ भूल गए सर। ओके,
आप इधर ध्यान दो, ये कहाँ गया? हाँ देखो, अपने को ये सम्स करने हैं, दिख नहीं रहे हैं, अब ठीक है? दिखे। पहला चलो, पहला सम क्या है? एक्स प्लस वन डीएक्स। चलो बोलो, माइनस वन टू वन, एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर बाय टू। बराबर, बोलो। अब पहले है ना, ऊपर वाली वैल्यू रखो, ओके, वन रखो, तो कितना आएगा आंसर? वन बाय टू प्लस वन, ये अपर लिमिट हुई। ध्रुव, समझ में आ रहा है? हाँ अब माइनस, अब एक्स के बदले में नीचे वाली वैल्यू रखो, मतलब माइनस वन का स्क्वायर अपॉन टू प्लस माइनस वन। तो ये क्या हुआ? साढ़े प्लस वन, साढ़े वन, वन बाई टू माइनस वन। अब वन बाई टू माइनस वन क्या हुआ? माइनस हाफ। टू आंसर हुआ प्लस। गया? हाँ चलो थोड़े समझ करते हैं मेरे साथ। हो गया सबका? ऐसे बंद कर दो। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वन बाय एक्स डी एक्स, वन अपन एक्स डी एक्स, बराबर है? ओके, अब टू टू थ्री है। चलो वन बाय थ्री का क्या होता है इंटीग्रेशन? लॉग मोड एक्स। गलत लिखा ना मैंने? सही लिखा, सही है। बस लिमिट सी टू डालना। टू टू थ्री, तो ये क्या? लॉग थ्री माइनस लॉग टू, तो आंसर क्या? बस लॉग थ्री बैठ। पति गया। ये साल बहुत गोल्डन चांस मिला है हमको, है ना बच्चा लोग? अच्छे से मतलब इसको यूटिलाइज करना। कोर्स में जो गंदी गंदी चीजें थी वो उन्होंने निकाल दी है,
पास होना अपने लिए बहुत आसान है, मतलब वेल्थ इज जस्ट एन हर्डल, क्रॉस करो इसको और निकलो। थर्ड क्वेश्चन, 4x³ - 5x² + 6x + 9। चलो बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा पहले का। (5/3x³) (+3x² + 9x) चलो अब नीचे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, 2 to 1 है, पहले 2 डालो। चलो 2 raised to 4 कितना होगा? 16 16 - 2³ (8), (8 × 40/3) 2 to the 4 = 12 + 9 to the 18 ये अपर लिमिट हो गई। माइनस अब एक्स के बदले में 1 डालो, बराबर तो क्या आएगा? अब ये माइनस, देखो मैं एक काम करता हूं, 16 and 12 कितना? 46। अब ये देखो 9 and 3 = 12 and 1 = 13 हुआ, -13 + 5/3 पता चला? चलो 46 - 13 कितना? 33 × 3 = 99 में से 35 गए, 64 रखे, 64 नहीं, हाँ सही, नहीं 64 आएगा ना, 64 सर एक डाउट, सर इन केसेस में जो सी आता है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं या कुछ और होता है उनका? इसमें सी आता ही नहीं है, ये डेफिनेट है। ओके वो इनडेफिनेट था। गॉट इट। ओके इनडेफिनेट मतलब मैं मूवी देखने गया था, बराबर है? ओके और तुम ये भी कह सकते हो कि मैं कौन सी मूवी देखने गया था, थेनोस वाली एंड गेम देखने गया था। कहाँ देखने गया था? तो कि पीवीआर में देखने गया था, बराबर है? और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या कहेगा आपको बोलो? मैं एंड गेम देखने गया था, थेनोस वाली गया था, ओके गोत्री रोड वाले पीवीआर में गया था और सीट नंबर 39 पे बैठा था, दैट्स इट। बात देखिए पता चला? अभी एक बार फिर से समझना हो तो किसका, अब जब हम ऐसे लिखते हैं ना इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, बराबर है? तो हम क्या लिखते हैं? (x²/2 + c), बराबर है? तो किसका डिफरेंशिएशन एक्स होता है? तो सिर्फ (x²/2) का ही डिफरेंशिएशन एक्स नहीं होता, प्लस कांस्टेंट कुछ भी होगा तो भी आएगा ना भाई। ओके तो ये बात ऐसी है कि आप (x²/2) मतलब ये ले लो, 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 कुछ भी ले लो, बराबर है? इन सब का क्या होगा? डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? 2x ही आएगा। ओके अब ये अलग अलग कर्व मैंने लिए, इसका मतलब क्या? (x²/2) कोई +1 है, कोई +3 है, कोई +5 है, कोई -3 है। ओके पर इन सब का डिफरेंशिएशन तो क्या आता है? 2x। पता चला? तो ये डेफिनेट है,
वो इंडेफिनिट था, ये इंडेफिनिट का एक्सप्लेनेशन था। डेफिनेट में क्या होता है, तो डेफिनेट में ऐसा होता है कि जब मैं ये कौन सा था मेरा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अब ये तीसरा क्वेश्चन, अब ये 4x³ - 5x² + 6x + 9 का ग्राफ बनाऊ तो 1 से 2 के नीचे कितना एरिया आएगा, तो इतना आएगा 64/3। अच्छा समझ गए, डेफिनेट मतलब एरिया अंडर द कर्व, व्हाट, एरिया अंडर द कर्व। चलो बोलो अब आवड़ेगा, आज के दिन में कुछ है नहीं, चलो अब बोलो फोर्थ आवड़ेगा, 0 to 4 sin 2x, संस्कार माइक बंद रख। चलो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, और लिमिट डाल दो 0 से लेके 4 तक। सर पाई बाय 4 है। अच्छा हाँ पाई बाय 4 थी, चलो पाई बाय 4 रखो तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, ये पाई बाय 2 क्यों हुआ पता चला ना, माइनस माइनस प्लस कर दो, चलो इसका आंसर क्या, वन बाय टू क्यू आया, समझ में आया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का। ए युवराज तू कोई नई जगह पे बैठा है नए, या फिर तेरे को दिवाली के सामान के साथ तेरे को भी निकाल दिया। सर वो गांव पे आए तो इधर सब ऐसा ही। ओह वाव अच्छा है, फिर तो अच्छा है, गांव में कोई पहनता है मास्क, कोई नहीं सर इधर कुछ लग ही नहीं रहा है सर। और फिर ये सब पता नहीं, शहर में ज्यादा कोरोना होता है और गांव में कम होता है, मतलब एक तो उन लोग की इम्यून सिस्टम अच्छी होती है, प्लस दे आर नॉट दैट मच यू नो सोशलाइज, उनकी लाइफ फिक्स होती है घर घर से खेतर, और अपने शहर में ये बहुत बढ़ रहा है ना, द रीजन इज कि काफी सारे मतलब यू नो कम्युनिटी मिक्स जगह पे काम करती है, मतलब स्प्रेडिंग का काम ज्यादा होता है। सो इवन इफ द स्कूल इज आस्किंग फॉर द परमिशन ना, प्लीज मेंशन क्लियर कट नो, ठीक है, मेरी स्कूल के सारे बच्चे तो नो ही लिखने वाले हैं, मैंने आई थिंक काफी सारे पेरेंट्स से बात किया था। चलो आगे बढ़े, अब ये आपका होमवर्क है 1 से 19, बोलो कौन सा ना उड़े, बोलो 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 बोलो, सर 15th में सपोजिशन से करना है। 15th में यूवी रोल, हाँ हाँ सपोजिशन से x² = t, बट बाद में यूवी रोल, नहीं 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 यूवी रोल आएगा ही नहीं शायद, एक बार कर लेते चलो ना 15th।
ई रेस टू एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, लिमिट क्या थी? देखो अब मैंने एक्स स्क्वायर के बदले में टी लिया, ओके तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये जो टिपिकल नाटक होता था वो होता ही रहेगा, बट नाटक में थोड़ा सा एड ऑन हुआ। वो क्या? अगर x को जीरो हुआ तो t को क्या होना पड़ेगा, और अगर x वन हुआ तो t क्या होगा, वन होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी लिया ना आपने, तो नई लिमिट क्या हुई, जीरो से वन हुई। अगर यहाँ टू होता ना तो फोर आता, समझ गए? एक्स स्क्वायर के बदले में ई रेस टू टी एक्स डी एक्स का डी टी आगे साढ़े, बस अब हो जाएगा। सपोज करो तो लिमिट लिमिट चेंज हो जाएगी। पर इंटीग्रेशन करके वापस एक्स में डाल देने का नहीं अभी, ये अच्छा बात ये है, यहाँ पे एक्स में जाने की जरूरत नहीं है अभी आपको। अभी देखो ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या, ई रेस टू टी ये साढ़े रहने दो, ओके जीरो टू वन डाल दो। क्यों? कि अब आपको एक्स में जाने की जरूरत नहीं है। हाफ आंसर है मेरा ई रेस टू वन माइनस ई रेस टू जीरो, तो ये क्या हो गया हाफ ई माइनस वन। हाँ ये बहुत अच्छी बात है इसमें कि वापस जाने की जरूरत नहीं है, टी में ही खत्म हो गया सब, एक्स में नहीं जाना पड़ेगा। पता चला? हाँ सर। जाहिद समझ में आया? चलो कोई लगता है डाउट या नहीं, एक्सरसाइज करूं? सर 20th एक बार दिखाओ तो, लास्ट वाला एक परिडा। मैं यहां टुकड़ों में जी रहा हूं, ट्वेंटी एथ में यूवी रूल करता हूं। क्वेश्चन नंबर 20, चलो आई लेट एल ए टी ई रेस टू एक्स बराबर प्लस, इसका अभी नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ अब इसका ई रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस वन बाय टू ई रेस टू एक्स, मैंने गलत कर दिया ना, है ना? भाइयों बहनों बोलो तो सही यार, अच्छा तुम भी भूल गए हो नए साल में। ये सही था प्लस इंटीग्रेशन। चलो ई रेस टू एक्स यहाँ पे क्यों ऐसा आया, समझ में आया ना? एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो गया, प्लस साइन का क्या, कॉस पाई एक्स अपॉन फोर इनटू फोर अपॉन पाई। अब बोलो अपर लिमिट क्या है, चलो वन रखो ई माइनस ई, कितना अच्छा, माइनस
फोर अपन पाई इंटू कॉस पाई बाय फोर, ये अपर लिमिट का कैलकुलेशन हुआ, माइनस जीरो रखने पे माइनस जीरो पे जीरो जीरो वन आएगा ना, माइनस फोर बाय पाई बराबर, सेकंड टर्म वन आएगा तो दूसरा जीरो नहीं होगा, अल्लाह हाँ दूसरा जीरो नहीं होगा, ई रेस टू जीरो वन, ओके अरे उद नहीं आ रहा है, ई रेस टू जीरो वन, ओके એટલે આ શું થઈ ગયું ઈ માઈનસ ઈ ગયું, ઓકે cos 5 by 4 કેટલું થાય 2 કે 3 1 by root 2 1 by root 2 રખે તો ये हो गया माइनस 4 upon pi root 2 और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 upon pi, बस आंसर तो ये थी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 7.9, देख लो और एक करे सर, आज तक बहुत आज का बहुत है ऐसा, हाँ एक और कर लेते हैं, धीरे धीरे शुरू करने का, हाँ सर सर आदत छूट गई है थोड़ी, हाँ आदत छूट स्कूल में क्या है, स्कूल में ज्यादा मतलब चालू रख के छोड़ दे चलता है, इसमें पूरा ध्यान रखना होता है, हमें आदत छूट गई उसकी, पूछ लो किसी से भी। दस समोरे सर कल करते हैं, ठीक है होमवर्क में कर लेना चलेगा, कैसे है सम देख लो, वही जे कंटिन्यू हुआ ये सारे, यही जे ये तो करने ही है साथ साथ में, ये दिवाली ऑफर चल रही है एक पे एक फ्री, नहीं नहीं चलेगा नहीं, ये त्योहारों में मतलब फेस्टिवल सीजन में ऑफर रहता है, देख लो तारीख क्या है, तारीख सबमिशन कल नहीं, कल नहीं आज क्या हुआ, थर्सडे हुआ ना, सैटरडे सोचेंगे या कल करो, बोलो दोनों में से जो भी ऑप्शन, सर थोड़ी थोड़ी मोहलत दे दो, थोड़ी और मोहलत दे दो, आज शाम को रखना है, अरे ज्यादा बोल रहा हूँ, कम नहीं, थर्सडे थर्सडे सर, कम से कम 30 साल आज नवंबर 19 हुआ है, नवंबर 21 कर लो बस, मौज करो, अरे सर क्या फर्क पड़ रहा है, आप तारीख बोलो डे बोल रहे हो, एक दिन बढ़ा दो, कल रखो फिर, अरे बढ़ा रहे तो बोल रहे कटाने को नहीं, दस सम ये है वो आधे घंटे का काम है उसमें क्या यार, सर आदत छूट गई है ना लिखने की, मतलब ये सम को पूरा रिफ्रेश करने में पुराने सम्स पे जाएंगे वापस आएंगे बहुत कुछ होगा, सर ठीक है दो दिन में दे देंगे बस, हाँ बस अभी एक एक और सम कर लो मेरे साथ, फोर्थ सम, ओके देखो 0 to 2 0 से 2 x into under root x plus 2 था बराबर, तो देखो अगर मैंने x plus 2 को t square लिया बराबर, तो dx क्या बन गया मेरा, अब देखो अगर x 0 तो t को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कितना होगा t 0, बट अगर x 2 ओके यहां 2 रखो तो 2 प्लस 2 4 तो t कितना 2, ये फिर से नसीब तुम्हारा अच्छा हुआ, लिमिट नहीं बदली, ओके 0 से 2 x के बदले में क्या आएगा
टी स्क्वायर माइनस टू, और एक्स का क्या हुआ अंडर रूट उसका टी हो गया, और डी एक्स का क्या हुआ टू टी डी डी, बराबर। तो ये क्या हो गया जीरो से टू टी स्क्वायर, टू टी स्क्वायर टू टी रेस टू फोर माइनस फोर टी स्क्वायर, और टी में ही इंटीग्रेशन करके आंसर डाल देने का, बराबर। सर एक्स जीरो पे टी की जीरो कैसे हुआ? ओया देखा सही में मेरे अभी बम धमाके फोड़ के, एक्स जीरो तो टी स्क्वायर टू हुआ, रूट टू होगा। हाँ रूट टू होगा, तो तुम्हारी लिमिट क्या होगी रूट टू से टू होगी, समझे? एक मिनट ना, एक जीरो तो टी क्या आएगा, टी रूट टू आएगा, ये लिमिट भी चेंज होगी तुम्हारी। कोई भारत का जागरूक नागरिक बैठा था यहाँ पे, इसने ये डाउट पूछ लिए, बराबर। ओके सर, एक्स प्लस टू माइनस टू वाले मेथड से कर सकते हैं ना? हाँ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, यस, वो पुराना जमाना, मतलब अपने पहली पुरानी सोच जो थी वो भी चलेगी। मतलब ये सारे हमने सीखे हुए वही है इंटीग्रेशन के। ओके, एक दो नए रूल आएंगे जो इंटीग्रेशन करने के तरीके को आसान करेगा, और कुछ नहीं है। हाँ बस बस वैदिक, यही यही यही। अरे सर हमारे जमाने वाले मेथड की बात चल रही थी, तो हम तो ऐसे करेंगे ही ना। बोलो, ठीक है, और कुछ नया सुना रहे हो तुम लोग? आप बताओ फिर तमारो को, तमस्को मजा करे गिरमा। मैं तो बहुत अच्छा कर रहा भाई, बहुत। अरे दीप्ति आ गई थी, बंद थी कि दीप्ति ना आ गई। दीप्ति मैं गया था, बहुत मंगू पड़ी, 3000 रुपया ले लिया। हमारे टाइम पर पहले मिनी बस भी होती, हमरा खबर नहीं थी। मिनी बस ने बदु बदु एवने उच्चे, पण दीव बहुत मस्त बनाई ना। क्यों यार दीव, यार बहुत गजब बनाई थी तो दीव। मन तो एवं इच्छा थी कि आगते यार क्या त्यां एक घर लेने रहे, त्यां थी पढ़ाना चालू कर दो। पॉसिबल है, पॉसिबल है यार, सही में। मतलब बीच के सामने घर, ओके, क्लास हो तो बीच पे चले जाने का, तुम भी लाइव बैकग्राउंड देखो समंदर हिलता हुआ। करोड़ों में आएगा बीच के सामने वाला, सही में, मतलब बहुत। चलो एक छोटी सी गेम खेल लेते फटाफट, रेडी? चलो रेडी। चलो दोनों टीम, आ गया, हाँ ये रहा। चैट में आंसर करना है, ओके, ठीक है। इस पे ही करता हूँ, ठीक है। चलो स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ। चैट में आंसर देना है जिसका, जिस टीम का आंसर पहले आया कुछ दिख ही नहीं रहा वो जीत गया। दिखा,
क्या करेक्ट आंसर है, 18 या 19? 18. कैसे दस इसका हुआ, इन दोनों के 5 रुपये, 19 और 5, ये 5 वाली है. एक मिनट यार, सब सेम दिखती है. एक मिनट, 5, ये 5 रुपये वाली, ये 4 रुपये वाली है, तो 10, 5, 4, हाँ 19 आंसर है. एंड सही आंसर वैदिक, कौन सी टीम का? संस्कार. संस्कार ने भी राइट दिया है. नहीं, आंसर राइट कितने लोगों ने दिया? वैदिक, मनन, संस्कार, ध्रुव, विश्वास, वरुण, रुद्र, निहार, कथित, पूजन, देवर्ष. बट सबसे तेज आंसर था वैदिक का. ओके, वाह वैदिक. स्कोर क्या था पहला? 10 पॉइंट आगे थे पायरेट्स. पायरेट्स 10 आगे थे. और अभी बराबर? आपको पता पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन? जब यू नए साल में से आज से 0-0 शुरू करो. चलो हमारे 10 पॉइंट. हाँ बस. तो उसमें तो हम जीत गए ना पहले वाले में. अभी 0-0 हो गया. अब 0-0 हो गया. ओके सर, पुराने वाले की पार्टी कब दे? वो कोई आयात नहीं तो दिवाली पे, मैंने तो बोला था ऑफर रखी थी. ये सही स्कैम कर रहे हो आप. तुम आते नहीं हो तो मैं क्या करूं? कोरोना कोरोना रोते रहते हो. मेरे को देखो, तुम्हारे सर से कुछ सीखो, कितना बड़ा रखड़ू है. ठीक है चलो. मैं बोला है उच्च बता ने इज्जत थी बोला है उसे. खाओ मेरी तरफ से सब फ्री. सर वो लास्ट साल में कोकोनट और एप्पल का क्या फंक्शन है? क्वेश्चन कोई नहीं पूछ सकते, बीच में गायब है. और क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. हाँ हाँ, सवा 5 नो रखने, 5.5 तो. हाँ 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 ओके ठीक चाह. सर वहाँ प्लस है के माइनस? वहाँ इनटू होता है बाय डिफॉल्ट. अब देखते हैं आंसर्स तो मेरे सामने 38 हो गए. ओके चलो. एप्पल का 10, बनाना का 5 रुपया. ओके और बनाना में से कोकोनट का 2 रुपया, मतलब 5 रुपया माइनस 2 रुपया, 3 रुपया बराबर है. तो 1 × 10 प्लस 4 = 14 इज द करेक्ट आंसर. कहां 2 × 10 होगा ना सर? 2 × 10 होगा. 2 टुकड़ों का 2 रुपया है तो 1 टुकड़े का 1 रुपया हुआ कि नहीं? सर बनाना 5 और बनाना 4 है. बनाना 4 है, इधर 4 है, इधर 5 है, तुमको दिखाई देता है? तेरा तो समझे 4-4 रखे, तेरे को फिर भी नहीं दिखाई देता. सर वो कोकोनट और एप्पल के बीच में क्या है? कुछ फंक्शन तो है. मल्टीप्लाई into 1 × 10 कितना होता है? 10. बम फट गया दिमाग. और 14 आंसर किसी ने दिया भी है. ओके एंड आंसर 14 दिया है कृति ने सबसे पहले. फिर दूसरा आंसर विराज का है 14, निशित का भी 14 है, निहार का भी 14 है, कृषि ने भी 14 दिया था बट बहुत लेट, सबसे लास्ट, एंड जाहिद का भी था 14. चलो कृषि, अरे किसका? कृति. कृति कौन सी टीम में? पायरेट. वो स्कैमर्स में.
पायरेट्स या स्कैमर? स्कैमर्स में. स्कैमर्स. स्कैमर्स 10 पॉइंट्स आगे. 20 पॉइंट आ गए वो ना. 10 10 10 कल का वो पिछले साल में चला गया. वो पिछले साल में चला गया. ओके चलो फिर से. ये सही अंजाम नहीं है मेरे पॉइंट्स का सर. देखो इस बार ध्यान रहे क्वेश्चन में, ठीक है. वाई एक तो तुम्हें ऑप्शन भी देना है एंड वाई दोनों मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं राइट दूंगा, ठीक है बराबर. ओके रेडी स्टेडी इनमें से कौन सा ऑप्शन फाइंड द ऑड वन आउट एंड वाई विच वन एंड वाई. सर फोर्थ बोलना नहीं है. अरे सॉरी सॉरी सॉरी. अरे वाह आंसर आ गया, ठीक है. ओ बाकी लोग सोचते रह गए सबसे पहले आंसर और सही आंसर भी दे दिया ध्रुव ने फोर्थ बिकॉज इट इज लेफ्ट हैंड. बाकी सारे राइट हैंड है. जोरदार तालियां ध्रुव के लिए. सीरियसली बहुत सही था. बहुत मस्त बहुत मस्त. चलो 10 पॉइंट और आ गए. ओके सही है. चलो स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? वो पुराना वाला ही दिख रहा है. नहीं. ओके अब आपका चेहरा दिख रहा है. हाँ 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 अब चैट में नाम दिखाना है उसका बराबर है. Who is he? पूरा नाम. Yes. जीत गया आई थिंक. मेरे ख्याल से एक ही इंसान को पता है, कोई आंसर आ ही नहीं रहा. ओके दो लोग के सही आंसर हुए. सर किसका पहले करेक्ट आया? पहले करेक्ट आंसर आया वैदिक का. तीसरा करेक्ट आंसर आया दूसरा रुद्रराज. फिर अनुष्का. And Vedic is the winner. Yes, he is Kim Kardashian. He or she, जो भी रख लो. He रखने से फर्क नहीं पड़ता. He रखे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला. दिखता she है. Okay, रख लो he कोई भी फर्क नहीं पड़ता. It is a Kim Kardashian. Okay. Why was मतलब you know for what she was getting she was famous पता है? छोड़ो ना. फिजल की बात है. And something controversial, कुछ बहुत controversial था. सबसे पहले sex tape leak के कारण हुई थी famous. उसके बाद उसने अपना show चालू किया, Keeping Up with Kim Kardashian. And उसके बाद वो मतलब blockbuster मतलब. Keeping Up with Kardashians बन गया वो. हाँ, Keeping Up with ऐसा कुछ था. फिर उसने अभी recently Koti के साथ उसने कुछ 200 million की deal की. और बाद में उसने कुछ अपना beauty products का चालू किया. And model, heroine, and then famous businesswoman. बहुत famous हुई थी वो. But बंदी में मतलब सही में daring वाली बंदी थी. Next is yes. एक मिनट.
इस बार आपको थोड़ा सा पुराना पिक्चर दिखाता हूं, ओके मेरे जमाने का, ये हिंट था ऐसे समझ सकते हो तुम, ओके चलो रेडी, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, नहीं, ओके लास्ट क्वेश्चन, इस पर्सनालिटी ने किस ब्रांड के लिए शूट किया था जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी एडवर्टाइज, दोनों बताना है, इसका नाम भी और वो ब्रांड का नाम भी। नहीं पता चला किसी को? मैंने लिखा है। ओह आंसर आ गया, मैंने देखा ही मैंने। ओह यस यस यस, दोनों आंसर एक साथ होने चाहिए तो पता चले। हाँ पूजा तेरी बात तो सही है दोस्त, यस करेक्ट करेक्ट आंसर, अभी तक नहीं था, ओके सिंडी क्रॉफर्ड फॉर पेप्सी, दूसरा तो दिख ही रहा था यार, मैंने स्टार्टिंग में पहला दिख रहा था, दूसरा नहीं दिख रहा। हाँ सिंडी क्रॉफर्ड, यस एंड yes. मुझे जहां तक पता है तब तक ये शायद कोई गर्ल्स हेल्प करे तो ये क्या नाम लिपस्टिक की फेमस ब्रांड कौन सी आर से स्टार्ट होती है, कुछ आर से स्टार्ट होती है फेमस ब्रांड ऑफ लिपस्टिक, कोई बताएगा देवियो? आर से स्टार्ट होती है, आर उसमें एल भी आता है वो मुझे याद है, आर एल आता है, याद है आपको किसी को? सर गूगल सर्च किया है, जो आर एस सजेशन वो बोलू? हाँ पोर्टलैंड ब्लैक, रेवलॉन, रेवलॉन करेक्ट। हाँ क्यों मुझे ऐसा लग रहा है रेवलॉन में, देखो ना जरा रेवलॉन में ये सिंडी क्रॉफर्ड ने काम किया था, एक मिनट शायद से, हाँ शायद है, हाँ हाँ है, हाँ यस, हाँ उसने कोई एक लिपस्टिक निकाली थी और उसमें सिंडी क्रॉफर्ड ने ये जो इमेज थी ना कुछ ऐसा था कि इसके फेस पे लिप्स के ठीक बाजू में एक मोल है ऐसा कुछ था,
उसने उसको हाईलाइट किया था लिपस्टिक करने के साथ साथ, ओके, और कोई कोई मस्त अच्छा सा कैप्शन डाला था, तो बहुत फेमस हो गई थी वो। ये एड भी बहुत फेमस हुई थी और वो रेवलॉन को भी बहुत इसका फायदा हुआ था। बहुत मतलब उस टाइम पे ये न्यूज में थी, रेवलॉन में, करेक्ट। चलो फाइनल स्कोर, ये लास्ट वाला कौन जीता? लास्ट वाला आकाश, तो बस 40 पॉइंट आ गए हुए हम। क्या बात कर रहे हो, 40 40 और उन लोग के, उन लोग आज नहीं जीते। एक मिनट, 40 कैसे, एक कृति एक मैं, हाँ एक्चुअली दो मैं, लेकिन फिर भी एक ही गिना जा रहा है, और बाद में एक आकाश, तीन, फिर एक ध्रुव, हाँ ध्रुव का था, हाँ चार, और तुम लोग के तो कितने पॉइंट्स होने चाहिए? पायरेट्स वालों के कितने, हर क्वेश्चन के 10 रखे थे, जीरो पायरेट्स, पायरेट्स ने एक भी आंसर ही नहीं किया, दिए पर लेट हो गए, हाय 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 हाय, पायरेट्स कहाँ है तुम्हारा कप्तान? आया नहीं, बीमार, हद है यार। ठीक है चलो, सैटरडे को मिलते हैं। पायरेट्स ने बैक टू बैक चार चौके मार दिए, जोरदार, स्कैमर्स ने, सॉरी स्कैमर्स ने, जोरदार धमाकेदार शुरुआत स्कैमर्स की। मिलते हैं फिर एक बार सैटरडे को।